आपके हिसाब से क्या मैटर करता है, बंदे की कास्ट, रिलीजन या फिर जो से वो काम करता है? I guess the actions we do. Oh my goodness, it's the actions that you do. जो हम काम कर रहे हैं वही मैटर करता है. Personally, काम मैटर करता है. Work is everything. Actions are more important. What I am doing, how am I projecting myself in the public? And I think one of the main things, kind to each other, no matter what religion, race, nationality you are, and respect each other, no matter what choices that you have. अगेन घर वालों के लिए कुछ और होगा, मम्मी से पूछता हूँ एंड द होल थिंग इज डिफरेंट, बट रिलीजन बहुत दूर बाद आता है, कोसों दूर बाद आता है. रिलीजन तो इट्स अ वेरी समथिंग वेरी पर्सनल, यू कैन ब्रिंग इट आउट इन योर ओपन. मैं किसी चीज़ में बिलीव करता हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, इट हैज़ नथिंग विद द पब्लिक. कास्ट और रिलीजन ये कोई चीज़ नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है. कास्ट से क्या लेना देना, हमें सब एक ही है. देखो जी, भगवान ने, रब ने तो कोई रिलीजन नहीं बनाया, सी सारे खुद इंसान ने बनाए यार. और ऑब्वियसली रिलीजन या कास्ट कोई भी मैटर नहीं करती हैगी, साढ़े कर्म जेडे आ वो ही काम करते. और जिमें कि तुसी देखा होएगा कि हर एक धर्म के जेडे आगू हुए आ उन्होंने रिलीजन दे नालों ज़्यादा उन्होंने प्रेम नू ज़्यादा इंपोर्टेंस दी. जिमें हुण तुसी देखा रामचंद्र जी ने शबरी के जूठे बेर खाधे, प्रेम के विच खाधे. कृष्ण भगवान जी ने अपने 36 प्रकार के भोजन छड़ के सुदामा की झोली के चौल खाधे, प्रेम के विच खाधे. गुरु नानक देव जी ने भाई जैलदार के न्योता ठुकरा के भाई लालू के घर दाल फुलका खाधा. इन सारे ने प्रेम के विच रब नू पाया. इहदा मतलब रिलीजन या कास्ट जिहड़ी आ मैटर नहीं करती, साढ़े कर्म करते हैं. तो कर्मों के सब तो जो जरूरी इंपोर्टेंट वो प्रेम आ, क्योंकि जिस इंसान के प्रेम है नहीं वो प्रेम वो इंसान ही नहीं है. फिर जानवर के कोई फर्क नहीं रह जाता. आपके हिसाब से फिर कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और वो मैटर ही नहीं करता? इट्स अपॉन द कंट्री वी आर बॉर्न इन. बैकवर्ड थिंकिंग, पर्हैप्स दे आर अनइनफॉर्मड. वी हैव अ लॉट ऑफ इमैच्योर एंड अनएजुकेटेड पीपल इन द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई इट इज देयर. दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो जो करते हैं वो करते हैं, हम तो करते नहीं हैं. तो उन्होंने पीछे उन्होंने कोई ना कोई अपनी जड़ी इंटेंशन है, सेल्फिश हो चुके खुद गर्ज आ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਾਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਰਟਡ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਅ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਓਨਲੀ, ਬਟ ਸੋਰਟਡ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਮ ਪੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਮਰਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰਹੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ. ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਸਾਈ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜੜੀ ਆ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਸੋ ਯੈਸ, ਡੈਫਨਿਟਲੀ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜੀਅਨ, ਨੋਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਨੋਟ ਕਾਸਟ. ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ, ਬਟ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਟਰ. What you do that matters. The kind of a human being I am. Yeah. As Jesus said from the Bible, you treat your neighbor as you would want to be treated as yourself. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ.